हेलो फ्रेंड्स, क्रिक्टल फैंटेसी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच का प्रेडिक्शन लेके। तो चौथे टेस्ट मैच में हम देखेंगे कि कहाँ पर है और पिच किस प्रकार की रहेगी, फास्टर को हेल्प मिलेगी या स्पिनर को, वेदर कैसा रहेगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा टेस्ट मैच है, वो है GSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में, और यहाँ की पिच हमेशा से ही बॉलिंग विकेट है, स्पिन बॉलिंग पिच रहा है। और इस बार भी आकाश चोपड़ा ने यहाँ पर पिच रिपोर्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये ब्लैक सॉयल विकेट है, यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये पिच डेफिनेटली स्पिन फ्रेंडली होने वाला है। यहाँ की हम बात करें तो वेदर एकदम अच्छा रहेगा, क्रिकेट के हिसाब से एकदम परफेक्ट वेदर रहेगा। और यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है, जो दो टेस्ट मैच इससे पहले खेले गए उसमें हो रहा है एवरेज स्कोर 261। यहाँ पर पहली पारी में बैटिंग करना थोड़ा आसान रहता है कंपेयर, लेकिन तीसरी चौथी पारी में यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है बैटिंग करना। हेड टू हेड की बात करें 5 साल में, तो इंडिया ने 7 बार जीता है, इंग्लैंड 4 बार जीता है। और एक और स्टेट्स मैं आपके बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर टॉस विनर्स है, जो जीतता है वो 100% टेस्ट मैच भी जीतता है। वो पहले बैटिंग करता है और ये टेस्ट जो पहले बैटिंग करता है वहीं पर वही जीतता है अमूमन। यहाँ पर रोहित शर्मा इससे पहले एक टेस्ट मैच खेल चुका है और उसने 212 रन किए हैं इस पिच पर। केएल राहुल ने 67 की औसत से रन करे हैं यहाँ पर, और रविंद्र जाडेजा ने 52 की औसत से रन कहे, दो टेस्ट मैच खेले हैं और 52 की औसत से रन किए हैं। साथ ही हम देखें तो रविंद्र जाडेजा ने यहाँ 2 टेस्ट में 12 विकेट लिए, मतलब 6 की एवरेज से 12 विकेट लिए हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच में केवल 3 विकेट लिए हैं। तो इस हिसाब से रविंद्र जाडेजा कल हमारे टॉप पिक रहेंगे, ट्रंप कार्ड रहेंगे। साथ ही हमें रोहित शर्मा पर भी नज़र बनाए रखनी होगी, यशस्वी जायसवाल गजब के फॉर्म में है तो उन पर भी नज़र रहेगी हमारी। तो इसी प्रकार से हम टीम बिल्ड करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे पास विकेट कीपर में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, जॉनी ब्रेस्टो, बेन फॉक्स और जुरेल। तो हम बेन फॉक्स के साथ जा सकते हैं या फिर जुरेल के साथ जा सकते हैं। ब्रेस्टो यहाँ पर बहुत ही ख़राब फॉर्म में, शायद कल का टेस्ट खेले या ना खेले अभी तो पता नहीं है, लेकिन जो स्पिनर और पिच के हिसाब से हमें जुरेल को पिक करना चाहिए। रिसेंट मैच में जो तीसरा टेस्ट हुआ था उसमें उसने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, तो उस हिसाब से जुरेल, ध्रुव जुरेल को रखना वहाँ पर फर्स्ट चॉइस है, उसे ही रखना पड़ेगा। साथ ही में हमें बैट्समैन में हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल है, जो कि स्पिन्स खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज भी है। इसमें यशस्वी जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में है, तो आप उसे ऑब्वियसली पिक कीजिए। साथ ही बेन डकेट रिसेंट मैच में काफ़ी अच्छा खेला था, तो आप बेन डकेट को भी पिक कर सकते हैं। बेन स्टोक्स भी है आपके पास, रोहित शर्मा भी लास्ट टेस्ट में काफ़ी बड़ा शतक मारा था, तो आप उन्हें पिक कर लीजिए। साथ ही मुझे लगता है कि स्पिन के हिसाब से यहाँ पर जॉन क्रावली और सरफराज खान, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो मैं एक सरफराज खान को पिक करता हूँ क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है, उस हिसाब से मैंने उसे पिक किया है। बात ही हम करें रिसेंट टेस्ट के इस फॉर्म के हिसाब से, बेन डकेट को भी इस टेस्ट में आप सोच सकते हैं। साथ ही में बेन डकेट, बेन स्टोक्स, जॉन क्रॉली पर आप विचार कर सकते हैं। शुभम गिल अच्छे फॉर्म में थे, पहले इनिंग में 0 किया, दूसरी इनिंग में 91 किया, लेकिन उन्हें आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उन्हें रख सकते हैं टीम में। साथ ही बॉलिंग ऑलराउंडर में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, रविंद्र जाडेजा ऑब्वियस पिक है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे और कैप्टन भी रहेंगे हमारी टीम के। साथ ही आप रविचंद्रन अश्विन को पिक कीजिए, वो भी एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर है, अच्छे बॉलर है। शो रूट को आप एज ए स्पिनर रख सकते हैं या फिर उनको बैटिंग तो इस सीरीज़ में उनकी काफ़ी ख़राब रही है, तो आप एज ए ऑलराउंडर आप उन्हें पिक कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप क्रिटिसिज्म काफ़ी हैवी हो चुका है। तो चौथे टेस्ट में जो रूट टिक कर अच्छा खेलेंगे, और ये मेरे लिए ट्रम्प कार्ड है, जो रूट इस मैच में ट्रम्प कार्ड है मेरे लिए, वो अच्छा खेलेंगे ही खेलेंगे। आप कुलदीप यादव को भी पिक कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, कुलदीप यादव आप डेफिनेटली उसे पिक कीजिए। टॉम हार्डली इंग्लैंड का स्पिनर है, उसे आप पिक कीजिए, वो भी एक अच्छे स्पिनिंग ऑप्शन है।
साथ ही रेहान अहमद, अगर स्पिन विकेट ज़्यादा स्पिन विकेट हुआ तो आप रेहान अहमद को पिक कर सकते हैं, या फिर ऐसा कहा जाता है कि बेन स्टोक्स इस मैच में बॉलिंग भी करने वाले हैं, तो उनकी कटर है वो, लेग कटर है वो, काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है, और बैटिंग तो वो नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किसी भी विकेट पे खेल सकते हैं, तो आप बेन स्टोक एक अच्छा ऑप्शन है पिक करने के लिए। अगर आप चाहें तो ओली पॉप एक अच्छे स्पिनर्स के बेसमैन है तो उन्हें भी पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं बेन स्टोक के साथ जाता हूँ, तो आप उन्हें पिक कीजिए। अब हमारे कैप्टन तो फिक्स है पहले से, मैं रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाऊंगा, और एक रिस्क में ग्रैंड लीग के लिए एक रिस्क लूंगा जो रूट को, फिर भी मैं वाइस कैप्टन के तौर पर चूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इस मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों के साथ। तो कुछ इस प्रकार से हमारी टीम बनती हुई दिख रही है, आप देख सकेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सात सात जो प्लेयर है वो इंडिया की टीम से पिक किए, जबकि चार इंग्लैंड की टीम से पिक किए हैं। आप अपने हिसाब से इसमें फेरबदल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना मैंने बैलेंस बनाकर टीम बनाने की कोशिश की है। देखिए हमारे कैप्टन रविंद्र जडेजा और वाइस कैप्टन जो रूट रहेंगे, और स्पिनर के मैंने सारे ऑप्शंस कवर किए। मैंने फास्ट बॉलर को रखना यहाँ पर ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये ब्लैक सॉल विकेट है, यहाँ पर फास्टरों के लिए बहुत ही कम हेल्प होगा। तो आप उस प्रकार से अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से टीम में चेंजेस कर सकते हैं। कैसे लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।